हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बढ़िया होगे। तो जो ये वाला व्लॉग है ना, ये आप ताज के बाद देख रहे हो, लेकिन ताज के पहले शूट हुआ था ये, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि यार भाई ताज का जो कंटेंट है काफी मतलब मजेदार है, और मैं चाहता था कि आपको वो कंटेंट पहले मिले। एंड इस वाली वीडियो में हम जा रहे हैं दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई राजधानी में सेकंड क्लास में, और मुंबई राजधानी सेकंड क्लास मैंने कभी भी ट्रैवल नहीं किया। इस व्लॉग में आपको देखने वाला है मेरा एक्सपीरियंस, और मेरी टिकट अगेन कन्फर्म नहीं है क्योंकि अभी महीना चल रहा है समर्स का, और समर्स में पूरी ट्रेन पैक है, फ्लाइट्स बहुत महंगी है, तो हाँ टिकट मेरी कंफर्म नहीं हुई। एंड अगेन भाई साहब बैठ के जाना पड़ेगा अगेन। और बस अभी सामान वामान में पैक कर रहा था अपना, और दिल्ली से मैं निकल रहा हूँ मुंबई। अब मैं आपको बताऊँ गाइस, ट्रैवल करते करते इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, और जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, उसको कई बार निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने लेकिन एक सोल्यूशन निकाला है। अभी मैंने ना अर्बन कंपनी, आपको पता होगा अर्बन कंपनी से ना, अपने लिए मैंने मसाज बुक की है, फुल बॉडी मसाज बुक की है। भाई मसाज लेते हैं जर्नी करने से पहले, क्योंकि ना मसल थोड़ी पेन हो रही थी मेरी। बहुत आसान तरीके से मैंने बुक कर लिया, थेरेपिस्ट आते ही होंगे। अर्बन कंपनी के मैस्यूज है ना, वेरिफाइड हैं और बहुत ही ट्रस्टवर्दी हैं। हम ले रहे हैं डीप टिश्यू हीलिंग, ट्रैक भी कर सकते हो अपने मैस्यूज को कि वेयर इज ही, तो मेरा दिखा रहा है अभी 4.5 किलोमीटर दूर है। बुक करना बहुत ही आसान है, अर्बन कंपनी के ऐप में जाना है, वहां पे आपको मेन सैलून एंड मसाज में जाना है, मसाज फॉर मेन पे क्लिक करना है, वहां पे जाके आप अपनी चॉइस ऑफ मसाज क्लिक कर सकते हो। मैंने रॉयल पे गया था, और रॉयल पे जाके मैंने जो है अपनी चॉइस की मसाज बुक की थी, उसको आप ऐड कर सकते हो। यू सिंपली पे द अमाउंट, पुट द एड्रेस एंड बुक द स्लॉट, आपको कब कराना है, आज या परसों। थेरेपिस्ट इज हियर, तो अपने साथ ही अरोमा ऑयल्स भी लेकर आते हैं ताकि पूरा मसाज का एटमॉस्फेयर बना सके। पैड भी अपने साथ कैरी करते हैं, और उसको प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं, सो दैट इट इज वेल हाइजीनिक एंड क्लीन, एंड द एंटायर प्रोसेस वाज एब्सोल्युटली मेस फ्री। गाइज ये टिश्यू वगैरह वो साथ में लेकर आए हैं, और ये हमारा पूरा बेड लग चुका है, साथ में रूम स्लीपर्स भी हैं। मसाज के बाद हम निकलेंगे सीधा स्टेशन। तो भाई साहब मैं ऑयल चूज करता हूँ पर्टिकुलरली अपने हिसाब से, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। फिर प्रॉपर म्यूजिक बजती है इसमें, एंड देखो कितना कमाल का लग रहा है, ये स्पीकर भी लेकर आते हैं। ऑयल्स देखो इतना हाइजीन मेंटेन किया हुआ है। सुबह रिलैक्स होने के बाद यू कैन आस्क देम टू एडजस्ट द प्रेशर अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। इट वाज अ हाई क्वालिटी मसाज, द ऑयल व्हिच वाज यूज्ड वाज वेरी प्रीमियम। मसाज के बाद एवरीथिंग वाज क्लीन, फाइनली मसाज हो गई है। सर एक्चुअली सब कुछ क्लीन अप कर रहे हैं, एज इट इज जैसा था वैसा सब कुछ हो जाएगा, विदाउट एनी मेस, एवरीथिंग इज डन। थैंक यू, बाय बाय। What a relief it was. आप भी चाहो तो ये सर्विस बुक कर सकते हो घर बैठे बैठे। मेरा कोड आ रहा होगा Harry300, तो इस कूपन को अप्लाई करोगे ना वाइल बुकिंग, तो आपको 300 रुपीज ऑफ मिलेगा ऑन योर फर्स्ट बुकिंग विद अर्बन कंपनी। तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके ऐप डाउनलोड करो एंड यू कैन बुक इट फॉर योर सेल्फ। ट्रेन तो आ गई है, और हमारा कोच है काफ़ी ज़्यादा आगे, वहाँ छाँव में खड़े हो जाते हैं, और दरवाजे खुले नहीं हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं। आई थिंक 15-20 मिनट बाद खुलेंगे इसके दरवाजे। लुक के मामले में ना, आज की डेट में इंडिया में मुझे बहुत ही कमाल का लगता है ये लुक येलो कोचेस का। लेकिन एक चीज़ बोलेंगे कि ये जो तेजस कोचेज हैं, एक साल पहले ही आए थे, मतलब आई थिंक लास्ट ट्रेन जो तेजस कोचेस में आई थी वो मुंबई या अगस्त क्रांति है, इसके बाद तेजस कोचेस आए ही नहीं फॉर सम रीज़न, मतलब इतना साल हो गया। कह रहे थे कि सारी राजधानी हो जाएगी तेजस कोचेस में, लेकिन अभी तक हो ही नहीं है। बट चलो यार ये तो हो गई ना, इंडिया में राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज द मोस्ट प्रीमियम। अभी हम जाते हैं अंदर, मुझे ना बहुत सारे DMs आ रहे थे विच इज द सेफेस्ट रूट टू ट्रैवल, क्योंकि आपको पता है कि अभी अभी जो एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का ना, उसके बाद से लोग काफी पैरानॉइड हो गए हैं। आई नो मतलब नहीं होना चाहिए, बट जो हादसा था इतना खराब था, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको पता ही है सब कुछ। बट anyway, मुझे बहुत सारे DMs आ रहे हैं कि भाई सेफेस्ट रूट क्या है, क्या इस ट्रेन में ट्रैवल करना सेफ है कि नहीं। हालांकि मुझे भी डर लग रहा है सही बताऊं तो, हालांकि इंजन सबसे आगे है, तो जब मेरे को मालूम चला कि मेरा कोच A2 है तो मैं थोड़ा डर गया कि वो कोच जो है ये A2 इंजन से काफी पास में है, मतलब 2-3 डब्बे पीछे ही है ये कोच A2। जबरदस्त रश है भाई साहब, एक भी सीट खाली नहीं है, ट्रेन के स्टॉप कम है, रास्ता निकल जाएगा। तो गाइस फाइनली मैं अपनी सीट पे आ गया, 35 है। देखो भाई साइड लोअर मिल गई, यहाँ सामने कोई ना कोई आएगा, और अभी विंडो सीट लगी हुई है,
अभी अराउंड 40 डिग्री है बाहर दिल्ली में, बहुत गर्मी है। और जो फ्लाइट थी ना बॉम्बे की वो बहुत महंगी थी, लगभग 15,000 से स्टार्टिंग थी, स्टार्टिंग अप टू 25,000 रुपए। मुंबई राजधानी बन जाती है सबसे फेवरेबल ऑप्शन सबके लिए। आपका आरएसी कौन सा है? मतलब आरएसी का नंबर क्या है? जो मेरे सामने वाले पैसेंजर है इनका 31 था आरएसी, मेरा 35 है, और मैंने 5 दिन पहले ली थी टिकट तो आरएसी है, मतलब जो आज लेता तो भूल ही जाओ। द बेस्ट थिंग यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट वगैरह है, विंडो शीट वगैरह है, बैठने की जगह है, बस इतना ही कुछ है गाइस, ज्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाऊंगा। तो ये न्यूज़पेपर वगैरह ऑलरेडी पड़े हुए हैं, को मुंबई राजधानी में मिलेंगे, ब्लैंकेट्स वगैरह हैं और ये अपनी शीट्स वगैरह। तो हाँ, अंदर से कोच देख लो, कुछ ऐसा इंटीरियर है। तो कोच का इंटीरियर तो बढ़िया है लेकिन सांस लेने की जगह नहीं है। द गेट्स आर ऑटोमेटिक, तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे। और इस ट्रेन में बाहर उतरना मतलब खतरे से खेलना है। तो ये देख लो भाई, ये बाहर का कुछ एरिया है, ये नाश्ता वगैरह हमारा ऑलरेडी रेडी पड़ा हुआ, चाय वगैरह या कॉफी वगैरह जो है हमको मिल जाएगी। यहाँ से निकल के कोटा रुकेंगे नेक्स्ट। ये जर्नी बहुत एडवेंचरस होने वाली है क्योंकि मेरी सीट कंफर्म नहीं है। तो भैया से मैंने पूछा ये ट्रेन अगर कहीं खाली होगा तो टिकट कहीं मिल सकता है, भैया कह रहे हैं कि A2 भैया कह रहे हैं कि भाई कहीं भी खाली नहीं होगा ये ट्रेन, बैठना ही पड़ेगा आज। तो सेकंड एसी के हिसाब से वॉशरूम्स काफी साफ हैं, काफी क्लीन है, हाइजीनिक लग रहे हैं, बेस्ट पार्ट टिश्यू पेपर वगैरह भी दिया है, यहाँ पे रूम फ्रेशनर भी है जो चलता है कि नहीं नहीं पता, जेट वगैरह भी है, सबसे मेन तो ये है, काफी हाइजीनिक है। बाय द वे मुंबई राजधानी में पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ सेकंड एसी में, तो ये पानी की बॉटल मिल जाती है। अगर आप आरएसी में भी ट्रैवल कर रहे हो ना, खाना मिलता है, तो ये मत सोचना कि अगर आप आरएसी में ट्रैवल करो तो खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पैसे पूरे दिए होते हैं, हालांकि सीट नहीं होती। आरएसी हर के अलग अलग है। मेरा वेज मॉर्निंग में, नॉन वेज। कल क्या है, डेट क्या है? I don't believe in destiny, I just do what's best for me, don't listen to my enemies, they're just full of... Finally we left from Delhi, अभी मैं वेट कर रहा हूँ नाश्ते का। पर्दा लगा लिया है मैंने, बट होता क्या है ना कि धूप ट्रैप हो जाती है, एक गर्मी सी बढ़ जाती है, तो सोच रहा हूँ इसको अभी फिलहाल में। मैंने ना भैया को बोल दिया कि कॉफ़ी बना के ले आएँ, मतलब ला ही रहे थे नाश्ता। यहाँ पे जगह है नहीं, यहाँ पे बैग रखा हुआ है, यहाँ पे भैया का बैग है, नीचे जो है ऊपर वाले पैसेंजर का बैग है, जगह ही नहीं है, कॉफी बन के आएगी तो सही है, लेकिन फरीदाबाद के आगे आ गए हैं और अभी हमारा स्नैक्स आने वाला है। अच्छा, स्नैक आ गया हमारा। ऑप्शन रहता है टिकट में कि अगर आपको चूज करना है तो आप कर सकते हो फूड, नहीं भी करना तो चलेगा, पर अगर आप फूड ऑप्शन चूज नहीं करोगे तो 250 रुपए कम लगेगा आपके, 300-500 रुपए आए थे, नॉट श्योर अबाउट द प्राइस। मैंने पे किए हैं लगभग अराउंड 4,000 रुपए सेकंड एसी के लिए, फर्स्ट एसी का प्राइस लगभग 5,000 है, थर्ड का अराउंड 2,800, अराउंड 3,000। मैंने ना ट्रिप गारंटी में की थी बुकिंग, आरएसी हुई है इस बार फिर से। एनीवे देखते हैं स्नैक क्या क्या है। गाइस इतने रश में ये 4,000 बहुत वर्थ है, वैल्यू फॉर मनी, इससे अच्छा ऑप्शन आपको बॉम्बे के लिए दिल्ली से अभी नहीं मिलेगा। ये है सैंडविच, पूरा चमड़ा हुआ है, देखते हैं इसको खोल के एक बार। ये होगी, ये कचौड़ी लग रही है, ये नमकीन है, ये है सोन पापड़ी और ये है चाय सामग्री। ये सब चीजें हैं सेकंड एसी में, बट इसके फर्स्ट एसी में तो आपको पता है कि अभी बहुत कुछ मिल रहा होता है, लाइक किचन में टी मिलती है आपको। गर्मियों में ना इन सैंडविचेस का ना बिल्कुल शक्ल सूरत बदल जाती है, एकदम बिल्कुल पतले से हो जाते हैं गर्मियों में, है फ्रेश नो डाउट लेकिन शेप बदल गया है। कचौड़ी की पैकिंग मुझे काफी बढ़िया लगी, अंदर एल्युमिनियम फॉइल लगा हुआ है ताकि ये गर्म रहे, हालांकि इतनी गर्मी पड़ रही है इसमें और क्या गर्म रहेगी। तो ये है कचौड़ी, मैं नहीं खाने वाला हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, तो काफी फ्रेश और काफी गर्म लग रही है। ये चाय सामग्री में ये मिल्क पाउडर है, साथ में ये दिया हुआ है टी पैक और ये शुगर दी हुई है। मैंने कॉफी मंगाई है, अंदर से बना के लाने को बोला है, मैंने मिल्क पाउडर ये यूज कर लूंगा। द थिंग इज गाइस, अभी ना जगह बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास कि मैं आराम से बनाऊं, ऐसा ना हो मैं बनाने जाऊं मेरे बैग में गिर जाए, लैपटॉप वगैरह है। कॉफी चाहिए, बना के ले आएंगे, मैंने उनको कॉफी की जगह मैंने डाइट कोक ले लिया है, बिकॉज वैसे इतनी गर्मी है, पीने की जगह नहीं है, कॉफी गिर गई तो। और डाइट कोक सबसे बेस्ट ऑप्शन है इस गर्मी में, 60 रुपीज की, हालांकि फोन पे गूगल पे का भी ऑप्शन है। तो ट्रेन में अगर आप कैश कैरी नहीं कर रहे हो, एज यूजुअल मैं कभी नहीं करता, तो भैया जो है वो अपना स्कैनर लेके चल रहे हैं, पे कर सकते हैं। तो जो ट्रेन थोड़ी फेमस होती है ना, या जो ज्यादा चलती है, वहाँ पे UPI हो जाता है इजिली। कोई तो पैसेंजर था बिना टिकट के चढ़ गया, वो टीटी जो उसको खदेड़ रहा था अंदर से लेके वहां तक लेके गया, पता नहीं अब कहां छोड़ेंगे उस पैसेंजर को, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉप इज कोटा। तो मैंने रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया, थोड़ा बहुत एक क्लिप आ रहा होगा आपको, बट पता था आगे नहीं गया वगैरह मैं क्या दिखाता। मैंने ना कैपेचिनो ले लिया, बहुत नींद सी आ रही है मुझे काफी, तो मैंने बोला कि मैं कल सोया नहीं हूँ, कॉफी पियेंगे। और वैसे भी नज़ारों के साथ कॉफी पीने का मजा ही अलग है, कैफीन ज्यादा हो रहा है, नो दैट, बट अभी के लिए ठीक है। तो भाई साहब ये ले ली फाइनली मैंने कॉफी, एंड कॉफी के साथ सीरियसली ये तो बनता है एक बार। राइट नाउ इट्स 8 o'clock और खाना हमारा लग रहा है, लग रही है बहुत जबरदस्त भूख, आई होप खाना बढ़िया हो। कोटा आने वाले 40 मिनट के अंदर, बट मैं बाहर नहीं निकलने वाला भाई, गेट बहुत खतरनाक है, खासकर अगर आप राजधानी में ट्रैवल कर रहे हो वो भी मुंबई, 2 मिनट से ऊपर रुकेगी नहीं और बाहर रह गए तो रह गए, खत्म, सीन ओवर।
मतलब खुलेंगे नहीं वहाँ, तो इसलिए मैं बाहर उतरूंगा ही नहीं, आधे बैठे हुए हैं इसी, बस बाहर वॉक करने आया हूँ। कमर थोड़ी अकड़ गई है बैठे बैठे, आप समझो मैं सीधा नहीं बैठा हुआ, वैसे टेढ़ा बैठा हुआ हूँ, तो जो बंदा क्रॉस भी कर रहा है, कोई लटक रहा है, कोई गिर रहा है बार बार, बट मेरी टांग जो है ऐसी बाहर ही लटकी हुई है, जो क्रॉस होता है गिरते गिरते बचता है। खाना आ चुका है, जो भैया है हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं आरएसी में, इन्होंने भी मंगाया है, इन्होंने अलग से मंगाया है, इन्होंने भी वेज लिया है, मैंने भी वेज लिया है, और खाना देखने में तो चलो बढ़िया है, और NDLS चढ़ा हुआ है इनके अंदर, अंदर डीप फ्रीजर है और हीटर वगैरह ऑलरेडी रहता है ट्रेन के अंदर, तो उसमें से गर्म रहता है। खोलते हैं देखते हैं भाई कैसा है, टेस्ट करते हैं। ये पनीर वगैरह है, आप देखो भाई इस लाइट के सहारे जो है कुछ मैं बता पा रहा हूँ, तो ये पनीर के चंक्स बहुत सारे दिए हैं, ये मुझे काफी अच्छा लगा। और ये मटर पनीर है, मिक्स वेज की सब्जी है, काफी डिफरेंट है, वैसे तो आपको आलू की सब्जी मिलती है लेकिन ये मिक्स वेज मिली है अभी। पनीर भी काफी फ्रेश लग रहा है, ये चपातीज दी है इस बार, परांठे नहीं है, और ये चावल है और ये दाल है, दाल भी काफी बढ़िया लग रही है, काफी टेस्टी लग रही है, तो मैं दाल ट्राई करता हूँ। और एक और चीज बोलूंगा कि जो ये स्पून दे दी ना इन्होंने थोड़ी, ये बढ़िया हो गया, खाना अच्छे से आ जाता है इसमें, दाल काफी बढ़िया है, 8 दे सकते हैं इसमें, ट्राई करते हैं ये पनीर, होममेड लगी ना, हाँ खाना होममेड रहता है इनका। पनीर ट्राई करता हूँ, पनीर भी बढ़िया है ना, पनीर लग रहा है गाइस 2-3 बार मंगा सकते हैं मतलब बहुत टेस्टी है, ग्रेवी कितनी पतली है, ट्रैवलिंग के टाइम ना हल्का खाना खाओ बेस्ट है, दाल भी बढ़िया है, चावल भी अच्छे हैं, ट्राई करते हैं ये मिक्स वेज बहुत ही कम मिलती है, ट्राई करते हैं। मिक्स वेज मुझे नॉर्मल लगी, मिक्स वेज नॉर्मल है, बाकी ये दोनों तो भाई बहुत टेस्टी, और चपातीस भी जो काफी फ्रेश लग रही है। आपको कैसी लगी? पनीर दाल लोगे तो एक्साइटमेंट रहेगा खाने का, साथ में दही भी है, खाना खाते हैं, वैसे सीट है नहीं, खाना ही खा ले अच्छे से। बैक टू बेस, मेरे को लगा बटर स्कॉच आएगी, बट आई है वनीला। खाते हैं, वी आर अबाउट टू रीच कोटा, सामने जो कांच है ना मिरर बन चुका है, रात भर बैठना पड़ेगा, टिकट नहीं मिलेगी, और भाई से मैं क्रिकेट की बातें कर रहा हूँ, जबरदस्त, अभी हम लोग हार गए ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बातें चल रही हैं, अच्छी खासी खिंचाई चल रही है, कंस्ट्रक्टिव वाला, मतलब ऐसे नहीं किसी को भी बोल रहे हैं। कोटा आ गया है, और ये चादर रखी हुई है इधर, भाई साहब दरवाजा खुलेगा यहाँ से, आई थिंक आके इसको अलग करेंगे, अलग कर लो भाई, सॉरी। बहुत गर्मी है गाइस इधर, बहुत ज्यादा, बाहर आप फोन रखोगे ना भाई फोन गर्म हो जाएगा, इतनी गर्मी है, उतरने का तो गाइस कुछ सेंस ही नहीं बनता गाइस, मात्र 5 मिनट रुकेंगे, वैसे ही लेट चल रहे हैं, और जल्दी जो है ये गेट बंद हो जाएंगे, तो कोई रिस्क लेने का मतलब नहीं है, बहुत गर्मी है भाई, और शायद पता नहीं स्टेशन रेनोवेट वगैरह हो रहा है, और वो फिजिक्स वाला अपने यूट्यूबर, तो भाई को मैं बता रहा हूँ चैनल हैरीज ब्लॉग्स, इनका पासवर्ड आपने देख लिया, कभी फोन मिले तो खोल लेना, ठीक है भाई, हैरीज ब्लॉग से टाइप कर लो इसमें, और यहाँ पे ना कोई तार आर फंसी हुई थी भाई, अभी गिरते गिरते बचा हूँ मैं, कभी चढ़ो तो ध्यान से देख के चढ़ना, और ये सुन रहे हैं आगे क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये भाई भी वैसे ही बैठे हुए हैं, और हर कोई सो गया है, कोटा से निकलने वाले हैं, एंड आई थिंक रात ऐसी ही निकलेगी, एंड आई थिंक ये पहला व्लॉग देख रहे हो आप कुछ ऐसा प्रॉपर आरएसी टिकट में, लाइट बंद करते हैं, दूसरों को सोने देते हैं, कॉकरोचेस भी हैं, ये गुड न्यूज है भाई साहब, सीट मिल गई अपन को, ये साइड लोअर अपनी है, इससे बेहतर चीज क्या हो सकती है भाई, 0 उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, मिल गई, गनीमत है, थोड़ा सोते हैं, वैसे ही नींद में हूँ, 4 कॉफी मार चुका हूँ तो भी नींद आ रही है, जहाँ नींद खुलेगी वहाँ मिलता हूँ, और ये बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होगी ना, सीट मिल गई, अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई, पहले सीट नहीं थी, जिंदगी का नाम भी यही है, बंद करते हैं, गुड नाइट, सी यू टुमारो या बीच में कहीं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली उठ गया और तरीके वाली नींद आई है। एक बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये जो नए कोचेज है ना, इसमें साइड बर्थ को उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, इसकी जो ये पूरी लेंथ और विड्थ है ना बढ़ा दी है, जो पुराने LHB कोचेज थे उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, इसमें आप स्पेस देख रहे हो ना, इसमें आप सो पाते हो। सूरत के आगे स्टॉप था हमारा, अब यहाँ से अगला स्टॉप सीधा बोरीवली है, तो आपको पता होगा सुबह सुबह चाय मिलती थी 6 बजे, फिर ब्रेकफास्ट आता था उसमें भी चाय मिलती थी, और ये देखो भाई नज़ारे चल रहे हैं बहुत कमाल के। सूरत आया था अराउंड 5 बजे, कॉफी मंगवाई है मैंने, तो जो कॉफी थी आपको पता है नॉर्मली कैसी होती है ट्रेन में, अभी फिलहाल मैंने ये कैपेचिनो मंगवाई है स्पेशली अलग से, इसका टेस्ट काफी बढ़िया रहता है, मजा आता है इसको पी के, आपको पता है कि मुझे सुबह सुबह सर्दी लग जाती है, तो फटाफट गर्म गर्म पानी डालते हैं, कॉफी डालते हैं, मिक्स करते हैं, पी जाते हैं, सो फार सो अमेजिंग। तो गाइस मानना पड़ेगा इस कॉफी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, वेल ब्लेंडेड, वेल मिक्स्ड और झंझट कम, हालांकि कॉस्ट इसका 25 रुपए है, तो अगर आपको ये कैपेचिनो लेनी है तो 25 रुपए पे करने पड़ेंगे, जो कि काफी ज्यादा है चाय कॉफी के हिसाब से, बट इट्स वर्थ। हमारा छोटा सा ब्रेकफास्ट आ चुका है, 3 ऑप्शन थे, कटलेट का था, पोहा का था और ऑमलेट का था, तो आज ट्यूसडे है तो वैसे भी मैं खाऊंगा नहीं, तो आज मैंने लिया है पोहा कुछ चेंज के लिए, साथ में ब्रेड मिली है, इस चाय सामग्री मिली है, मतलब नहीं है क्योंकि अभी जस्ट मैंने कॉफी पी है, और साथ में ये मैंगो मिला है, यही है ब्रेकफास्ट, इसमें कॉर्नफ्लेक्स वगैरह नहीं मिले जैसे जो फर्स्ट क्लास में मिलते हैं, और साथ में केचप दी है,
केचप डाल देंगे पोहे पे। मैं खाता हूँ, आप लोग कमेंट मत करना कि भाई ये क्या कॉम्बिनेशन है कॉम्बिनेशन, कई लोग खाते हैं। साथ में इन्होंने बटर दिया, छोटा कम ब्रेकफास्ट है। फर्स्ट क्लास में आपको ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं, प्लेट में लेकर आते हैं, वो कटोरी में आपको कॉर्नफ्लेक्स मिलता और टेबल एबल मिल जाता, देखा है बहुत बार। मुंबई राजधानी में सेकंड एसी में आपने कभी नहीं देखा, ये एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट रहा। पर्दे डिफरेंट है, बेसिकली जो नॉर्मल पर्दे होंगे तेजस राजधानी के, वो शायद हो सकता है वॉशिंग पे गए हो, धुलने गए हो, तभी ये दूसरे कोचेस के लगाए, न्यू पर्दे लगे हुए हैं। ट्राई करते हैं पोहा, मैं बताता हूँ कैसा है। लाइट भी है बहुत। पोहे पे सॉस डाल दिए, आप लोग मुझे पता है भाई बहुत कमेंट करने वाले हो, क्वांटिटी कम है पोहे की, मतलब काफी टेस्टीदार है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। ट्राई करते हैं, टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है जितना स्मेल अच्छा कर रहा है। आराम से 9.5/10, बहुत टेस्टी है, मजेदार है, क्वांटिटी कम है पर ठीक है गाइस। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट आज लाइट हो जाएगा तो अच्छा ही है। और ये ब्रेड मैं खोलूंगा भी नहीं क्योंकि वेस्ट है, कोई मतलब ही नहीं इसको खोलने का, जान नहीं है शायद इसमें। के साथ खाओगे, बटर के साथ खाने का कोई सेंस नहीं है। खत्म करते हैं। और ये कोई अतरंगी, पता नहीं सन 1980 की कोई कंपनी है, उसका मैंगो ड्रिंक दिया है। पहले तो रियल का भी देते थे, अभी तो मैंगो ड्रिंक के नाम पे ये बिल्कुल सस्ता काम कर दिया है, तो इसको मैं ऐसे कैसे रख देता हूँ। बिल्कुल सही बोला। तो ट्रेन जो है वो रोड पे क्यों नहीं चलती वैसे, क्योंकि रोड टूट जाएगी और व्हीकल्स भी नहीं चल पाएगी। व्हीकल्स किसने बताया आपको? किसने बताया आपको? क्या किसने बताया? मेरे फादर ने। ओ पापा मुंबई पे जॉब करते। तो आपको मुंबई पसंद है या हिमाचल? हिमाचल पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है और बिजली इतनी जोर की कड़कती में डाल जाती है। हिमाचल नहीं, उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, उस टाइम तो मैं 4 इयर्स की थी। अभी कितने साल के हो? 5। तो बहुत ज्यादा छोटी कैसे हो गए? एक साल छोटी थे बस, एक साल तो छोटे थे ना हिमाचल में। मछली पकते चाकू से, मछली को काटते मछली और तब मछली को पकाते और तब यही यहाँ पे जो आप पुरानी बोट्स देख रहे हो ना वहाँ पे फिशिंग वगैरह होती है यहाँ पे। और ये जंगल दिख रहा है आपको, उसके उस साइड मुंबई है, बस ये जंगल के बाद मुंबई है वहाँ पे। वी आर अबाउट टू रीच बोरीवली और अभी भाई साहब बारिश हो गई है अच्छी खासी, और आज शायद फोरकास्ट है बारिश का मुंबई में। बस लास्ट वीक जून तक तो आपको पता ही है मुंबई में मानसून आ ही जाता है, जुलाई फर्स्ट वीक में तो प्रॉपर वाला बादल छाए हुए हैं ऊपर। वी आर ऑन टाइम, लगभग 20 मिनट बस लेट चल रहे हैं। बोरीवली आधे घंटे लेट आए हैं भाई, उम्मीद नहीं थी। अब मैं आपसे ना सीधा मुंबई सेंट्रल में मिलता हूँ। भैया को भी सीट मिल गई थी कल रात में, 26 नंबर। हम लोग तो सोच के बैठे थे कि सीट नहीं मिलेगी, बट एट द एंड फाइनली मिल गई। फाइनली अबाउट टू रीच मुंबई। बारिश हो रही है, धूप आ रही है, बारिश हो रही है, धूप आ रही है। फाइनली आई एम इन मुंबई। पूरी ट्रेन से मैं अभी बाहर निकला हूँ, कल जो चढ़ा था एक बार भी स्टेशन ट्रेन से बाहर नहीं आया, आना भी नहीं चाहिए। डोर्स ऑटोमेटिक हैं और रिस्की होते हैं, तो कोई मतलब नहीं है बाहर आने का। बहुत अच्छी जर्नी रही, हालांकि हाफ एन आवर लेट हो गए, और फटाफट अब निकलते हैं। और इसके बाद वाला व्लॉग जो है बहुत कमाल का है, लेकिन जो ये वाला व्लॉग है ये बाद में आएगा, जो नेक्स्ट व्लॉग है वो बहुत ही कमाल का है, तो वो व्लॉग में पहले डालूंगा। यहाँ तक देखा वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।